तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम फिर से प्याज की खुदाई कर रहे हैं। एक खेत बच गया था, बच्चे अपने बाबा के साथ घूम के आ गए हैं थोड़ी देर। सास और मेरी ननद प्याज के खेत में। अभी मैं भी जाऊँगी खेत में, मुझे भी खोदना है। आपको दिखाती हूँ मैं। अभी बच्चों को दूध भी देना है, दूध लेके नहीं गए थे। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं दूध गर्म करने लगी हूँ, ससुर जी को भी दे देती हूँ, बच्चों को भी दूंगी। बच्चे पीने लग गए हैं दूध, उनके बाबा भी पीने लग गए हैं। ये देखिए, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और सबने तो कर दिया, मैं थोड़ा सा मैगी बचा है तो उसको ही खा लूंगी। फटाफट दूध पियो तीनों। मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, चल जल्दी दूध पी। खाएगा मैगी? खाएगा तो खाएगा। वो मेरा रहेगा तोला ही तोला, मैं खींचूंगी उससे। अभी खोद के जाल निकालूंगी। देखो लक्कू कर रहा है खुदाई। पार से तू भी कर। ये हमारा किसान है। अरे अम्मा, ये अदरक का खेत है, उसको मैं खोदूंगी भी। देखो देखो लक्की काम कर रहा है वहां पे। अम्मा अदरक खोद रही है। खोद तो मेरा खेत का काम हो चुका है। दूसरे खेत का प्याज भी निकाल लिया है हमने। अभी अब सारे प्याज को सुखा के फिर स्टोर करके रख देंगे। और ये खेतों की सफाई भी हो गई है। इस खेतों में मिर्ची उर्ची लगाएंगे। ये देखिए, अभी अरबी की गुड़ाई परसों करेंगे। ये लक्की के कान में देखो, इस खेत से निकाला था हमने अभी प्याज। ये देखो सब साफ कर दिया है। अब मैं नहलाऊंगी गाय को। तो हमने गाय वाय नहला दी है। अब हम इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, क्योंकि गीले में बात के खुजली हो जाएगी गाय को। और ये प्याज को भी सूखने देते हैं। मैं नहा लेती हूँ, मैंने सुबह खेत का काम करना है करके नहाया नहीं। तो अब मैं नहा लेती हूँ, फिर खाने की तैयारी करूँगी दिन की। आपसे भी बीच बीच में मिलती रहूंगी। तो मैंने गाय को भी बांट दी और मेरा नहाना धोना भी हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ चाय अपने ससुर जी के लिए। गांव में बहुत बार चाय पिया जाता है दिन में, तो मैं भी। मेरा सब काम हो चुका है, अब खाना बनाने का टाइम हो गया। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज और बड़ी की झोली। ये घर की बड़ी है, ककड़ी और उड़द की दाल की। और ये पपीता फ्रिज में था, मैंने इसको काट लिया है। अब मैं अंदर बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं खाना। तो फ्रेंड, अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं ये प्याज को डलिया में भरती हूँ। सुबह डालेंगे इसको धूप में। अभी इनको डलिया में उठाकर रख देते हैं। इस सारा मैंने करना है। और सब लोग कोई गाय के लिए घास लेने गया है, ससुर जी चक्की में गए हैं। चलो अब पार्थ में उठाते हैं प्याज। चलो डलिया में प्याज डालो। ये पार्थ भी रख रहा है एक डलिया में, मेरी हेल्प कर रहा है पार्थ भी। लक्की अम्मा के साथ चक्की में गया है, वहीं से घास लेने भी जाएगा अम्मा के साथ। पार्थ मेरा बहुत हेल्प करता है, मेरा गुड बॉय है ये।
चलो फटाफट रखिएगा मेरा बेटा अभी। तो हमने प्याज व्याज उठा लिए हैं, एक डलिया कम पड़ गया मतलब अभी थोड़े से बचे हैं, तो अभी सास लोग घास से आ जाएंगे तो वाली डलिया में रखूंगी मैं। अब मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं, घर के हैं छोटे छोटे, अब उसको मैं छील लेती हूँ। तो मैंने आलू छील के काट भी दिए हैं, ये सुबह पराठे के लिए रख दिया है मैंने। अब थोड़ी सी मिर्ची बना दी हूँ, इसमें ससुर जी के लिए लौकी की सब्जी डाल दी। तो वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।